हेलो गाइस, वेलकम टू द अवतार दोला यूट्यूब चैनल। आज हमारा कैमरा सेटिंग्स का पार्ट टू है, जिसमें आज हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात करेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको यूज़ करके हम लोग इमेजेस का बहुत ही बढ़िया रेंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मॉडलिंग के साथ 3D एनिमेशन फ्री में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हर एक नई अपडेट्स मिलती रहे। तो मेरे पास यहाँ पे एक एंग्री बर्ड का मॉडल है, इसकी मैंने 3-4 डुप्लीकेट्स यहाँ पे कॉपीज बना रखी है। और आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा स्क्रीन पर आप लोग देखो, हमारे यहाँ पे बीच वाले पर हमारे यहाँ पे फोकस दिखाई दे रहा हो, बाकी सब यहाँ पे आगे पीछे वाले ऑब्जेक्ट यहाँ पे मॉडल्स हमारे धुंधले हैं, वो ब्लर हैं। तो आप लोग भी सेम यहाँ पे अच्छा रेंडर कैसे निकाल सकते हो, अगर आपने ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया देखने के बाद, तो आप लोग भी एक बढ़िया रेंडर निकाल पाओगे अपने वर्क के लिए, या फिर इमेजेस का, या फिर वीडियोस का, जो भी आप लोग बटर जो भी आप लोग काम कर रहे हो इसमें। ओके, तो अगर आपने हमारा पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है कैमरा सेटिंग्स का, जिसमें मैंने आपको सब ऑप्शन के बारे में बताया है, आपको कैसे आपने इसको यूज़ करना है, तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको देखिए, फिर हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड का यहाँ पर जो पार्ट टू है इसको आपने देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को। डेप्थ ऑफ फील्ड है क्या, सबसे पहले हमें इसके बारे में समझना होगा। ये ऑप्शन है, मैं आपको सब बाद में बताऊँगा। मोबाइल सबके पास है और इसमें कैमरा है, या किसी के पास DSLR है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, कैमरा है, और उस कैमरे से आप लोग कुछ भी क्लिक कर रहे हो मोबाइल के कैमरे से, और उसमें जो लेंस लगा रहता है, तो आप लोग किस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहते हो, वो मोबाइल अपने आप हमारा जो एनवायरनमेंट होता है लाइट्स के हिसाब से उसको ये यहाँ पे फोकस पे लेके आता है, और जो आगे और पीछे वाली चीज़ें होती हैं उसको ये ब्लर कर देता है जिसको आप लोग फोकस करना चाहते हो। तो डेप्थ ऑफ फील्ड आप लोग इसको बोके इफेक्ट बोलोगे, मैं आपको सिंपल आसान समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बोके इफेक्ट हमारा ऐसे फोटोशॉप में होता है, चीज़ों को ब्लर करने के लिए ये हमारा यूज़ होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका चल जाऊँगा शोल्डर मोड में। तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने यहाँ से इसको डेप्थ ऑफ फील्ड पर यूज़ कर रखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो व्यूपोर्ट में भी हमें यहाँ पे ब्लर दिखे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपका एक शेडिंग का यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास डेप्थ ऑफ फील्ड का, DOF इसको बोलेंगे, इसका शॉर्टकट है DOF। ओके, तो डेप्थ ऑफ फील्ड, तो इसको जैसे मैं इनेबल करूँगा तो यहाँ पर भी सेम इफेक्ट हमें दिखाई देगा, यहाँ पर भी हमारी चीज़ें जो हैं ब्लर होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा तो देखिए हमारी चीज़ें यहाँ पर फिर यहाँ पर वही आ जाएंगी, शार्प हो जाएंगी सभी। यहाँ पे इसमें जो बोके था वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो कैमरा वगैरह मैंने सब सेट कर रखा है, तो कैमरा सेटिंग के ऊपर क्लास थर्ड आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल कैमरा को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो बताना मैंने इसी में था, लेकिन अगर मैं इसी में बता देता ना, तो फिर आपको ना तो डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में अच्छे से पता चलता, ना फिर आपको कैमरा मल्टी कैमरा आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में पता चलता। तो सब मैं आपको एक एक करके बताऊँगा पार्ट थ्री में। तो आप लोग पहले इसको देखना डेप्थ ऑफ फील्ड को, इसको यूज़ करके देखना। वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है पार्ट वन में, जिसमें मैंने आपको बताया कैमरा को कैसे सेट करना है, सिंगल कैमरा के बारे में मैंने उसमें बात की है। तो आप लोग पहले उसको देखना, फिर डेप्थ ऑफ फील्ड को, फिर मल्टी कैमरा को कैसे यूज़ करना है पार्ट थ्री में आपको समझाऊँगा। अब यहाँ से मैंने इसको इनेबल कर लिया, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर हमारा जो हमारा मटेरियल है, तो मैंने यहाँ पे इसमें मटेरियल ऐड कर रखा है। तो आप लोग मटेरियल में जा सकते हो, या फिर आप लोग रेंडर में जाओगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखेगा, क्योंकि जो आपकी लाइटिंग वगैरह लगाई होगी वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड ऐसे ही इनेबल किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चीज़ें यहाँ पर ब्लर होना स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आया था फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला। तो अब इसको मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है, और इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, अभी आप लोग देखो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हमारी यहाँ पे ब्लर हैं, ये देखिए। तो ये कैसे, ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे मैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाऊँगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, ये हमारा एक लिमिट होता है। तो लिमिट कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने इसको इनेबल किया, तो अभी आपको यहाँ पे एक ना ये दिख रहा होगा प्लस का आइकन दिख रहा होगा। अगर मैं इसका जो साइज़ है यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा ना, यहाँ से ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज़ करता चला जाऊँगा, तो इसका जो साइज़ है ना वो भी यहाँ से इसका जो साइज़ वो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। मान लो मैंने इसको यहाँ पर 5 पे सेट कर दिया, चलिए मैंने इसको 5 पे सेट कर दिया है। तो हमारा बोके कैसे ये डेप्थ ऑफ फील्ड वर्क करता है, उसी के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है फोकस डिस्टेंस, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग फोकस पॉइंट बोलेंगे, जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, ये देखिए इसके ऊपर इसमें होवर लेके जाता हूँ, हमें बता रहा है डिस्टेंस ऑफ द फोकस पॉइंट डेप्थ ऑफ फील्ड। तो आपने इसका दूरी कितनी तक रखना है, कितनी दूर तक रखना है आपने इसका दूरी,
तो उस चीज़ों को यहाँ पे ब्लर करता चला जाएगा। और जहाँ पे हमारे पास है इसका, यहाँ पे मीटर में बता सकते हो आप लोग। तो ये फोकस ऑन ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, अभी आप लोग पहले इसको समझो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ था, तो ऐसे इसको मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 पे सेट होता है, तो इसको मैंने 10 पे सेट कर दिया। तो देखिए ओवरऑल सभी को यहाँ पे इसने ब्लर कर दिया। क्यों ब्लर कर दिया, इसका जो साइज़ है ना यहाँ पे, ये देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे कम करूँगा थोड़ा सा, तो मैंने इसको यहाँ पे कम कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का आइकन है, लिमिट है, तो हमने इसको रखा है बाय डिफॉल्ट। इसका डिस्टेंस है वो 10 मीटर पे है। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, जो हमारा जो जितना हमारा डिस्टेंस होता है उस हिसाब से जिस ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोकस करना चाहते हैं, जितनी दूरी पे हम लोग फोकस करना चाहते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में दिया रहता है ना, कुछ मोबाइल यहाँ पे 2 मीटर तक फोकस करते हैं, 4 मीटर तक, ऐसे हमारा सेम यहाँ पे वर्क करता है। अब ये बाय डिफॉल्ट 10 पे सेट है, और यहाँ पे अगर आप लोग इसका दूरी बढ़ाओगे तो उतनी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आती चली जाएंगी, और बाकी चीज़ें हमारी यहाँ पे ब्लर होती चली जाएंगी। अगर इसको यहाँ पे मैं 40 पे सेट कर देता हूँ, एंटर हिट करूँगा, तो अभी आप लोग देखना ये 40 मीटर में दायरे में हमारा यहाँ पे प्लस आइकन आ गया, हमारा जो कैमरा की दूरी है ना वो यहाँ तक आ गया। अगर आपको मैं यहाँ से रोटेट करके दिखाऊँगा, जैसे ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना कैमरा का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको लाइन यहाँ से नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 40 मीटर का है। और अगर जैसे मैं 0 हिट करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिर्फ इसने ही फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इसने ही फोकस किया हुआ है, और ये वाले चीज़ों को यहाँ पे इसने ब्लर दिखा दिया है। तो जो भी जितना आपका डिस्टेंस होगा उस दायरे में चीज़ें आती होंगी उसको यहाँ पे ये फोकस पे लेके चलेगा, बाकी को ब्लर कर देगा इसके आगे या फिर पीछे वाली चीज़ें। ओके, तो ऐसे कुछ हमारा वर्क करता है फोकस डिस्टेंस। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, हमारी जो लाइन है उसको मैं रिमूव कर दूँगा। और जैसे इसका डिस्टेंस है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलूँगा, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 60, मैंने इसको 60 पे फिल कर दिया, एंटर हिट किया, तो अब यहाँ पे हमारा ये देखिए चीज़ें हमारी यहाँ पे ये और पीछे चल गया है, और इसको इसने फोकस पे ले लिया। इसका कुछ साइड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, और जैसे इसको यहाँ पे मैं 70 पे सेट कर दूँगा, तो ये देखिए इसने ये वाली सब चीज़ें आगे से ब्लर कर दिया, लेकिन ये पीछे वाला एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रह गया है जिसको ये फोकस पे दिखा रहा है, और ये चीज़ें सारी यहाँ पे ब्लर हो चुकी हैं। ओके, अब ये आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। इसको मैं 40 पे सेट कर देता हूँ। चलिए जी, मैंने इसको 40 पे सेट कर दिया, हमारा आगे वाला ऑब्जेक्ट आ गया फोकस के ऊपर। ओके, आप लोग इसको चाहे तो 50 रख सकते हो, जितना भी आपने रखना है, मैंने इसको 50 पे सेट कर दिया। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा इसने फोकस लिया ये वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये वाली चीज़ें सब यहाँ पे ब्लर होती चली जाएँ, तो एफ स्टॉप आ जाता है हमारा अपर्चर में। ये कैसे वर्क करता है, एफ स्टॉप होता है हमारा, जैसे मैंने आपको फील्ड ऑफ व्यू बताया था यहाँ पे लेंस में ना, वो वर्क करता है हमारा जो बोके का इफेक्ट है वो कितना रहेगा। अगर मैं इसको ये देखिए इसके ऊपर होवर लेके जाऊँगा ना, जो हायर नंबर होंगे उतनी इमेजेस हमारी शार्प होती चली जाएंगी, कम होंगे उस पर डीफोकस करता चला जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक पे सेट कर दिया इसको, ये देखिए, तो सभी को यहाँ पे इसने शार्प कर दिया। तो यहाँ पे आपने जैसे ही मैंने इसको 0.1 किया, तो देखिए चीज़ें 0.1 किया, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यहाँ पे इसने ब्लर कर दिया। लेकिन अगर आपने इसको और यहाँ पे पास लेके आना है, तो आप लोग इसको क्या करोगे, तो यहाँ से आपको फिल करना होगा, यहाँ से इसमें फिल करेंगे हम लोग 0.04 या 5.2, जितना भी आपने रखा है उस तरीके से आप लोग इसका यूज़ करोगे, तो ये हमारा बोके इफेक्ट है वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको एफ स्टॉप में वो सारे ऑप्शन नहीं दिखेगी जो हमने यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ काउंट्स यहाँ पे फिल किया है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा जितने आपने रखा होगा। तो ऐसे वर्क करता है हमारा एफ स्टॉप। तो उसके बाद आता है ब्लेड, तो ये कैसे वर्क करता है, जो भी आपका बोके इफेक्ट होगा उसको आपने शार्प कितना करना है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। और इसको जैसे मैं यहाँ पे ब्लेड्स को यहाँ पे कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको 5 पे सेट कर दिया, तो मैंने इसको 5 पे सेट कर दिया, तो अभी आप लोग यहाँ पे चेंजेस देखोगे। ये देखिए हमारी चीज़ें यहाँ पे शार्प होने लग चुकी है। और अगर जैसे इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 पे कर देता हूँ मैं इसको, तो देखिए चीज़ें यहाँ पे 3 पे मैंने सेट किया, तो यहाँ पे ये देखिए आपको हल्का सा नजर आएगा जो आपके एजेस है ना वो कितने यहाँ पे शार्प देखेंगे, या फिर कितने वो यहाँ पे बोके ब्लर होते हुए धुंधले दिखाई देंगे। ओके, ऐसे वर्क करता है हमारा ब्लेड्स इसके एजेस को दिखाने के लिए। और उसके बाद आता है रोटेशन, तो रोटेशन कैसे वर्क करता है यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो रोटेशन हमारा वर्क करता है, जो भी हमारा जो बोके इफेक्ट होता है, जो ब्लर होता है, ब्लरनेस को आप लोग कितने डिग्री पे रोटेट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर ध्यान देना है, तो आपको बिल्कुल हल्का सा नज़र आएगा
इसको जैसे मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे हिट करूँगा, एंटर हिट करूँगा, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो ब्लर है वो यहाँ पे रोटेट होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग अपने पीसी में जो भी आप लोग वर्क कर रहे हो उसमें आपने यूज़ करके दिखना है, तब आपको इन ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता चलेगा। हो सकता है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में और आप लोग जब अपने पास वर्क करते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो रोटेशन हमारा हो गया। अब ये नेक्स्ट है रेशियो। रेशियो कैसे वर्क करता है, जो भी आपका बोके इफेक्ट होगा, आपने जो रोटेशन दिया होगा बोके इफेक्ट को, रोटेशन का ये रेशियो कितना रहना चाहिए। तो जैसे इसके मैं ऊपर होवर लेके जाऊंगा, हमें यहाँ पे ये बताएगा डिस्टॉर्शन, तो ये कम वैल्यू होगी नंबर की तो उसको यहाँ पे ये नहीं लेगा। ये देखिए, अगर इसको मैं यहाँ पे 3 पे सेट कर दूंगा तो ये देखिए चीज़ें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कितनी यहाँ पे शार्प आनी यहाँ पे लग चुकी है। अगर इसको यहाँ पे मैं 5 पे सेट कर दूंगा, ये देखिए इसको यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे आपने ध्यान देना, ये देखिए चीज़ें कैसी होने लग चुकी है। और अगर इसको यहाँ पे मैं 1 पे हिट कर दूंगा, 1 हिट करने के बाद यहाँ पे एंटर हिट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे चीज़ यहाँ पे और ब्लर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड हमारा कुछ ऐसे वर्क करता है, तो अपने हिसाब से आप लोग इसको यूज़ करके देखना, तब आपको और अच्छे समझ लगेगा। तो उसके बाद है यहाँ पे फोकस ऑब्जेक्ट, ये कैसे वर्क करता है, तो आपको मैं रेंडर में ले आने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे फोकस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आप लोग इसको बता दो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने जो फर्स्ट वाला है इसको मैंने फोकस पे रखना है, तो मैंने इसको जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा और बाकी चीज़ें यहाँ पे ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपका यहाँ पे डिस्टेंस है फोकस दे ये हाइड हो जाएगा, आप लोग इसको बाद में भी यहाँ से सही कर सकते हो। अभी हमारा 50 मीटर के दायरे में आ जाता है और ये भी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। आप लोग इसको अगर 20 कर दोगे तो ये देखिए ये और पास आ जाएगा इसका डिस्टेंस, और पीछे वाले ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा ब्लर कर देगा। अगर आप लोग इसको 10 पे सेट कर दोगे तो देखिए और चीज़ें यहाँ पे ब्लर होती हुई चली जाएंगी, फोकस हमारा उतना पास होता चला जाएगा। ओके, ऐसे कुछ वर्क करता है हमारा यहाँ पे फोकस डिस्टेंस। कितनी दूरी पे आप लोग किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस पे लेके आना चाहते हो, तो अब यहाँ से आप लोग इसका सेटिंग कर सकते हो। एफ स्टॉप आप लोग इसका यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, जितना भी आपको चाहिए 1 कर सकते हो। ये देखिए चीज़ें यहाँ पे हमें यहाँ पे और दिखाई देने लग चुकी हैं। अगर इसको यहाँ पे मैं 3 पे सेट कर दूंगा तो ये देखिए तो चीज़ें और पीछे तक चली जाएंगी। इसका जो वर्क का इफेक्ट है डिस्टेंस है आपने और कितना रखना है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे 0.02 पे सेट कर देता हूँ तो ये चीज़ें और यहाँ पे पास आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे पीछे से और ज़्यादा इसको ये ब्लर कर देगा। और इस तरीके से आप लोग ब्लेड से इसके एजेस है वो कितने दिखाना चाहते हो, ये देखिए यहाँ से आपको एजेस नज़र आएंगे जो ब्लर होते हुए हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। अगर इसको यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा ब्लेड्स को हमारे पास एंटर हिट करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा ब्लर हो जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आप लोग इसके एज से दिखाना चाहते हो, इसको थोड़ा शार्प करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसका ब्लेड है इसको आप लोग सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखिए इसको मैंने 5 पे सेट कर दिया, तो ये देखिए चीज़ें और यहाँ पे थोड़ी शार्प दिखने लग चुकी हैं। तो ऐसे रोटेशन और रेशियो वर्क करता है, मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस ये था हमारा कैमरा सेटिंग्स का पार्ट 2, जिसमें हमने डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में DOF के बारे में बात किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है आपको इसमें से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया ना सॉलिडवुड में आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आपका यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है यहाँ से इनेबल होना चाहिए, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सॉलिडवुड में रिजल्ट देगा वैसा जो आपको यहाँ पे रेंडर में देगा या फिर मटेरियल में देगा। तो इस तरीके से आप लोग डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे मल्टी कैमरास को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।